जमीन प्रॉपर्टी टूर्स, मैं हूँ अलीना और आज जिस प्रॉपर्टी का टूर मैं आपको करवाने लाई हूँ वो लोकेटेड है जी न्यू लाहौर सिटी में। न्यू लाहौर सिटी के बारे में मैं आपको बताती जाऊँ कि न्यू लाहौर सिटी जो है वो लाहौर की एक बड़ी न्यू लश सोसाइटी है जो कि मेन कैनाल बैंक रोड पे मौजूद है। 5 मिनट की ड्राइव है इस सोसाइटी की शाहकाम चौक फ्लाईओवर से। और ये जो सोसाइटी है ये बड़ी गेटेड और सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो बड़ी सिक्योर एंड गेटेड सोसाइटी है। इसके अंदर जो है जिस प्रॉपर्टी का मैंने आपको टूर करवाना है वो है पार्क टावर जो कि अभी कंस्ट्रक्ट होना है, लेकिन इस पार्क टावर के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं और इस तरह की बहुत सी फैसिलिटीज मौजूद हैं। हम अंदर चलेंगे और अब हम देखेंगे कि क्या क्या है जी। मेन बुलेवार्ड की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो रोड्स है वो काफी वाइड है। जो सोसाइटी है जिसका मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसमें ग्रीनरी बहुत है। आप अगर हर तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा इन्होंने प्लांटेशन की हुई है और मेन बुलेवार्ड अगर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी देख सकते हैं और इस तरह देख सकते हैं कि कितनी वाइड रोड है। एटलीस्ट इसकी 3 लेन्स है, इधर से एट अ टाइम 3 लेन्स में गाड़ियाँ जो हैं वो मूव कर सकती हैं। मेन बुलेवार्ड के इस साइड पे अगर आप देखें तो ये कमर्शियल एरिया है न्यू लाहौर सिटी का। ये है जी न्यू लाहौर सिटी का कमर्शियल एरिया और इसी कमर्शियल एरिया में पार्क टावर जो है वो लोकेटेड है। हम उधर भी चलेंगे लेकिन मैं कमर्शियल एरिया के बारे में आपको बताती चलूं कि कमर्शियल एरिया में ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि काफ़ी मार्ट्स और खाने पीने की दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं। क्यों? क्योंकि लाहौर सिटी के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोग मूव इन कर चुके हैं और ये जो है सिटी जो है ये डेवलप हो गई है और लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मौजूद हूँ पार्क टावर की लोकेशन पे। पार्क टावर की लोकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया था ये न्यू लाहौर सिटी में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस वालों का एक नया प्रोजेक्ट है। पार्क टावर की जो लोकेशन है वो बड़ी आइडियल लोकेशन है। जो मेन बुलेवार्ड है न्यू लाहौर सिटी का उसके बिल्कुल पास जो है ये टावर बनेगा। इस टावर की मैं आपको खास बात बताती चलूँ कि ये जो टावर है इसके बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को मिला के इसके 6 फ्लोर्स होंगे। इसके अंदर शॉप्स होंगी, इसके अंदर रूफटॉप गार्डन होगा, इसके अंदर अपार्टमेंट होंगे। इसकी जो बुकिंग्स हैं ये अक्टूबर जो है उसके अंदर शुरू हो गई हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो दिसंबर में शुरू होगी और 3 साल जो है ना उसके अंदर ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और अगर इसके अलावा देखा जाए तो इसका जो पेमेंट प्लान है अगर हम बात करें तो वो भी बहुत फीजिबल है, जिसमें अपार्टमेंट्स की इंस्टॉलमेंट 38,000 पर मंथ से स्टार्ट हो रही है। इस पार्क टावर की कंस्ट्रक्शन अपडेट्स, इसका पेमेंट प्लान और इसके अंदर और क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं इसके हवाले से हमें अपडेट करेंगे मिस्टर फजीलुर रहमान साहब जो कि सीईओ हैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस के, जो कि डेवलपर है इस प्लाजा का। आज हम आपके साथ मौजूद हैं न्यू लाहौर सिटी के अंदर जहाँ पे हमारा नया अपकमिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है पार्क टावर के नाम से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले हमारे बहरिया टाउन लाहौर के अंदर JP टावर, स्काई आर्किड और स्काई फैमिली अपार्टमेंट्स के नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट है और LDA अप्रूव्ड सोसाइटी है। बिल्डिंग के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं कि बिल्डिंग की जो एलिवेशन है फ्रंट एलिवेशन लाहौर के बेस्ट आर्किटेक्ट से हमने उसको डिज़ाइन करवाया है और इसके अलावा हमने इसके अंदर जो स्टील स्ट्रक्चर है उसको भी प्रॉपर कवर अप किया है। अमरेली का स्टील हम इस बिल्डिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं और अर्थक्विक उनका हमें सर्टिफिकेट मिलता है। अर्थक्विक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है। फायर फाइटिंग की सारी फैसिलिटीज़ हमने बिल्डिंग के अंदर दी हैं, एमरजेंसी एग्जिट और इस तरह जो भी एक लिविंग फैसिलिटीज़ होती हैं या जो बैकअप के तौर पे चीज़ें दी जाती हैं वो बिल्डिंग के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद जो बिल्डिंग के मटेरियल्स हैं उसके अंदर हम ए ग्रेड और ए प्लस ग्रेड मटीरियल्स यूज़ करते हैं। हमारे बने हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसा कि JP टावर, स्काई ऑर्किड, स्काई फैमिली अपार्टमेंट्स, आप बहरिया टाउन लाहौर में आके हमें विजिट कर सकते हैं। हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को आप देख सकते हैं, सॉइल टेस्ट से लेके कंस्ट्रक्शन तक। आप कोई थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन करवाना चाहते हैं, कोई टेस्ट करवाना चाहते हैं, हमारे पास तो उनके सर्टिफिकेट्स मौजूद होते हैं। अगर आप कोई टेस्ट उसमें करवाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप उसको करवा सकते हैं। क्योंकि हम प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज बीइंग अ बिल्डर, हमारी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और बिल्डिंग की मजबूती की तरफ होती है।
पार्क टावर की लोकेशन का इंतखाब न्यू लाहौर सिटी में इसलिए किया गया कि ये हमें एक लोकेशन ऐसी मिली कि जो फेसिंग पार्क है, 34 कनाल पे ये पार्क है, डेवलप्ड पार्क है यहाँ पे, और इसके सामने हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है पार्क टावर के नाम से। प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं बेसमेंट के अंदर फूड कोर्ट शॉप्स, ग्राउंड फ्लोर स्प्लिट लेवल शॉप्स हैं यानी कि ग्राउंड प्लस मेज़नीन, और इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे हमारी शॉप्स हैं, और उसके बाद सेकंड से लेके सिक्स्थ फ्लोर तक हम आपको अपार्टमेंट्स, फैमिली अपार्टमेंट्स 1 BHK में ऑफ़र कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 600 स्क्वायर फीट का ग्रॉस एरिया होगा इसका। फूड कोर्ट तो बेसमेंट में आपका आ गया, टॉप फ्लोर पे आपका रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, और ये बिल्डिंग जो है ये तकरीबन 120 फीट वाइड होगी, और रेजिडेंस के लिए अलहदा से इसका प्रॉपर एरिया इसका अलहदा से है, उनकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आपके जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ बिल्कुल अलहदा से उनकी लिफ्ट्स हैं, अलहदा से उनके एरियाज हैं, पैसेज वगैरह सारे उनके अलहदा से हैं। अपार्टमेंट्स की एक्सेस सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस को होगी, कोई दूसरा बंदा वहाँ से एक्सेस यूज़ नहीं कर सकता। JP टावर स्काई आर्किड के अंदर जो आप लोगों का एक हमारे साथ एक शिकवा था कि पेमेंट प्लान जो है वो बहुत बड़ी होती हैं, तो पार्क टावर के अंदर हमने इसको नंबर एक तो 4 ईयर पेमेंट प्लान पे एक्सटेंड किया, और दूसरा ये कि हमने इसका मंथली पेमेंट प्लान जो है वो बहुत अफोर्डेबल रखा है। यानी कि जैसे शॉप 19,500 से लेके 25,000 रुपया शॉप की आप कह लें पेमेंट प्लान है, और इसके अलावा अपार्टमेंट जो है उसका 38,000 रुपीज़ यानी 38,000 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट है। बिल्डिंग की लॉन्चिंग जो है अक्टूबर एंड पे ये मुकम्मल हो रही है लॉन्चिंग, और इसके अलावा इसकी हम अर्थ ब्रेकिंग दिसंबर में शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको 3 साल के अंदर ये बिल्डिंग डिलीवर करेंगे, और 4 साल के अंदर आप इसकी पेमेंट करेंगे। इजी पेमेंट प्लान्स है इसके अंदर, हमने कोई मतलब कोई गेमिक्स नहीं है, कोई बैलून पेमेंट्स नहीं है। ऑन गोइंग आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, एक डाउन पेमेंट आपने अभी देनी है एट द टाइम ऑफ बुकिंग, और एक पेमेंट आपकी जो सेकंड पार्शियल पेमेंट है वो आपने अर्थ ब्रेकिंग पे देनी है, और उसके बाद आपकी एक रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स हैं जो कंटिन्यू होंगी। न्यू लाहौर सिटी को बेसिकली 5 रास्ते मेन जो है लगते हैं। मेन गेट इसका मेन कनाल रोड की तरफ से है, इसके बाद एक एक्सेस इसको सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की जो रोड है वहाँ से है, इसके बाद इन्होंने जो फेज 3 से अपनी एंट्रेंस की है वो तो बिल्कुल सेक्टर F बहरिया टाउन में ओपन हुई है। हमारी जो पार्क टावर की लोकेशन है वो मेन इसका जो पर्ल इनक्लेव है, पर्ल इनक्लेव में आप पर्ल स्क्वायर पे आएंगे, और मेन बुलेवार्ड 150 फीट वाइड जो रोड है उसकी इमीडिएट बैक पे फेसिंग पार्क, ये हमारी लोकेशन है पार्क टावर की। और ये आप कह लें कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जैसे बहरिया टाउन का सेक्टर C का जो मेन हब है, जो क्रिसेंट राउंड अबाउट जिसको लोग तलवार चौक कहते हैं, ये तकरीबन वही लोकेशन होगी। इलेक्ट्रिक बैकअप के लिए हमारे पास जनरेटर जिसके अंदर लिफ्ट्स वगैरह और अंदर जो बिल्डिंग है वहाँ पे हम आपको इलेक्ट्रिक बैकअप भी कम्प्लीटली प्रोवाइड करेंगे। इट्स अ नाइस प्लेस, आप इसको ऑन ग्राउंड विजिट कर सकते हैं, और रिमेनिंग इंशाल्लाह मैं आपको अब इसके बाद ऑन ग्राउंड लोकेशन पे लेके जाऊंगा, जहां पे आपको पार्क और पार्क टावर की सारी लोकेशन और सारी उसके अंदर जो कवरेज है वो आपके साथ ज़रूर करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी लोकेशन है, और ये बिल्कुल इसके सामने ये पार्क का अगर आप क्राउन देखते हैं तो पार्क का क्राउन भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बनेगा जी पार्क टावर। और ये दिसंबर के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी डिगिंग स्टार्ट कर देंगे, अक्टूबर एंड से हमारी प्रॉपर बुकिंग स्टार्ट हैं, और आप अपनी बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं इसके अंदर। लोकेशन आप देख सकते हैं मेन बुलेवार्ड की बिल्कुल इमीडिएट बैक है, और 150 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड है, और जितने अपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे वो सारे अपार्टमेंट्स फेसिंग पार्क होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू लाहौर सिटी के कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर। ये कॉर्पोरेट ऑफिस में हम मिलेंगे सेल्स और मार्केटिंग के हेड से, और इनसे पूछेंगे कि जो पार्क टावर न्यू लाहौर सिटी में नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है उनके नज़र में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और वो इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं। न्यू लाहौर सिटी बहुत ही उम्दा सोसाइटी है जो कि मेन कनाल रोड पर वाकया है, और सबसे बढ़ के इसकी जो मेन बुलेवर्ड है 150 फीट की जो कि मेजर अट्रैक्शन है इस न्यू लाहौर सिटी की, 500 घर जो है वो बन चुके हुए हैं, ठीक है, जिसमें 300 फैमिलीज रह रही हैं। बेहतरीन किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गेटेड गार्डन कम्युनिटी है, अंडरग्राउंड वायरिंग है, स्कूल यहाँ पे मौजूद है बच्चों के लिए, कॉर्नर स्टोन बेस्ट स्कूल है।
और यहाँ पे हमारे बहुत से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट जो कि बेहतरीन किस्म का बेहतरीन लोकेशन पे हमारे सी ब्लॉक में पार्क टावर्स के नाम से लॉन्च होने जा रहा है अक्टूबर एंड में। बड़ा बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसमें रिटेल भी है, जिसमें अपार्टमेंट्स भी हैं, बड़े कुशादा साइज़ के अपार्टमेंट्स हैं, फेसिंग पार्क ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट की खसूसियत ये है कि बड़े ज़बरदस्त बिल्डर्स हैं जो कि इसको बनाने जा रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करके डिलीवर भी किए हुए हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है एक बेसिक फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ जो कि एक रेजिडेंट की होती है वो सारी की सारी पूरी करता है। उसमें रिटेल है, रिटेल में आपके जितने रेस्टोरेंट्स हैं, आपके ब्रांड्स हैं, उनको विजिटेड किया जाएगा। फिर रूफ टॉप पर यहाँ पर रेस्टोरेंट्स मुहैया किए जा रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत और उमदा प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कि हमारे न्यू लाहौर सिटी में ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है जो कि हमारे न्यू लाहौर सिटी की शान में इजाफा करेगा, और इसमें हम इनको पूरी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये टाइमली डिलीवर होगा। और इसमें अभी इसको लॉन्च नहीं हुआ तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत खुशी का इजहार करते हैं कि हम यहाँ पे, हमारे यहाँ डेवलप्ड सोसाइटी है, लोग रह रहे हैं और उसमें एक बड़ा वैल्यू एडिशन होने जा रहा है पार्क टावर्स का। तो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट भी बड़ी खुश है और वेलकम कहते हैं हम। बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे बिल्डिंग एलिवेशन और फसाद के साथ यहाँ पार्क टावर्स के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, जिसमें अच्छे अपार्टमेंट्स भी हैं, फ्लोर प्लान बहुत अच्छा है और शॉप्स भी बहुत अच्छी हैं। सबसे बढ़ के जो लोकेशन है वो बड़ी आइडियल है। लाहौर में जो सबसे आइकॉनिक जगह है वो है कैनाल बैंक रोड, और कैनाल बैंक रोड पर, मेन कैनाल बैंक रोड पर न्यू लाहौर सिटी है जो कि सबका जाना माना पहचाना प्रोजेक्ट है। डेवलप हुआ हुआ प्रोजेक्ट है ये। सड़कें बनी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, स्कूल है, सुपरमार्केट है, लोग रह रहे हैं, आबादी है, सिक्योरिटी है, और इंटरनेशनल तर्ज के ऊपर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ है। एंड इट्स नेक्स्ट टू बहरिया टाउन, बहरिया टाउन से भी बहुत करीब है। उसके अंदर इस तरह के आइकॉनिक प्रोजेक्ट आते हैं पार्क टावर्स के, तो जो रहने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रिटर्न है कि वो अभी पेमेंट प्लान के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ख़रीदेंगे, लेकिन जब वो बेचेंगे तो ओवरऑल प्राइस के अंदर जो इजाफा होगा, जो प्रॉफिट बनेगा, वो बहुत अच्छा होगा। तो इट्स वेरी गुड। मैं आप सब लोगों को वेलकम कहता हूँ जैतून की तरफ से, और हमारे जो PMS ग्रुप है पार्क टावर जो बना रहे हैं, हम उनको भी वेलकम कहते हैं। अभी ये बहुत अच्छी प्राइसेस के ऊपर उन्होंने पार्क टावर्स लॉन्च किया है, इसमें इन्वेस्ट करें, फ़ायदा उठाएँ। तो आज हम जिस जगह पर मौजूद थे वो थी न्यू लाहौर सिटी, और जिस प्रॉपर्टी का हमने आपको टूर करवाया वो है पार्क टावर, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन के फेज में है। तो अगर आप इस लाहौर सिटी में मौजूद पार्क टावर में शॉप लेना चाहते हैं, फूड कोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपार्टमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर्स और वेबसाइट पर रابطہ करें।